गाइस मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि यहाँ पर जो होता है वही दिखता है, वो रिजल्ट मुझे मिला है वही आपको दिखा रही हूँ गाइस। ऐसा नहीं है कि कोई फिल्टर यूज़ कर रहे हो या ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस। पर मैंने दही लिया है, दही आप आपके बालों की लेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच दही लिए। देखिए आप दही को छान कर भी ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि दही में पानी ज़्यादा है और आपके बालों से बहेगा तब इसको छान कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो सेकंड इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करूँगी वो है कंडीशनर। आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का कंडीशनर ले सकते हैं, ये भी आप आपकी ग्रोथ के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 चम्मच यूज़ करूँगी। इतना इनफ है मेरे लिए, थोड़ा सा डाल दूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी। दही तो आपको पता ही है बालों के लिए वरदान है गाइस। दही की खटास से दही डेंड्रफ तो जाता ही है, ये बालों को नरिशिंग भी करता है, बालों को सॉफ्ट भी करता है। दही आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइजर भी करता है, आपकी जड़ों को मजबूत भी करता है, और कंडीशनर आपके बालों को शाइनी चमकदार बनाता है, बालों को स्ट्रेट भी करता है। और थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है ऑयल। यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, और आप ऑयल किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑनियन ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हो वो ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये देखिए मैंने तीनों चीज़ें अच्छे से मिला दी है, मिक्स कर लूँगी। आपके बालों में अगर ऑयल है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फिर 2 घंटे रख के, मैं तो कहूँगी 2 घंटे, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप आधे घंटे में भी अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। गाइस ये तीनों चीज़ें मिलके आपके बालों को लंबा घना बनाएगी, बालों का झड़ना टूटना रोकेगी, बालों को शाइन देंगी, और साथ ही साथ आपके बालों का डेंड्रफ दूर करेगी, आपकी जड़ों को मजबूत करेगी। आप हफ्ते में एक बार ये चीज़ ज़रूर यूज़ करें। अगर आप हफ्ते में 2 बार 3 बार सर धो रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगी आप 2-3 बार भी इसे यूज़ करें, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप देख सकते हैं मेरे बाल ऑयली ऑयली दिख रहे होंगे आपको। मुझे 2 से 3 दिन हो गए मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, और मेरे बालों में वैसे ही ऑटोमेटिक गर्मियों में तो ज़्यादा ही ऑयल अपने बालों में आ ही जाता है, आपको दिख रहा होगा ऑयल। तो आज मैं एक हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ अपने बालों में, जो मैंने आपको बताया है कि कैसे बनाना है। अब मैं उसको यूज़ करने की टेक्निक आप लोगों को दिखा रही हूँ गाइज। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है। आप हफ्ते में 2 से 3 बार अगर हेयर वॉश कर रहे हैं तो ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा गाइज। इससे आपके बालों की लंबाई तो बढ़ेगी, बालों में शाइन भी आएगी, साथ ही साथ आपके बाल अननेसेसरी टूट रहे हैं, साल में एक बार तो बाल झड़ते ही हैं गाइज, ये भी एक साइकिल होती है बालों का, उगना टूटना झड़ना, तो वो तो टूटेंगे लेकिन आपके अननेसेसरी बाल बहुत भर भर के टूट रहे हैं या कहीं भी गिर रहे हैं। हर महीने एक महीना छोड़ के दूसरे महीने में आपके बाल बहुत टूट रहे हैं, गंजापन दिख रहा है, तो आप ये चीज़ ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ऑयल तो आपके बालों को आपको पता ही है, ऑयल आपके बालों को मसाज तो देगा साथ ही साथ नरिशिंग भी देगा। दही भी बहुत अच्छा काम करती है, दही भी आपके डेंड्रफ को दूर करेगी गाइस, आपकी जड़ों को मजबूत करेगी। कंडीशनर जो है वो आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा, स्ट्रेट भी बनाता है। अगर आपके बाल फिजी फिजी हो गए, हमें कहीं जाना होता है, हम शैम्पू करते हैं, शैम्पू हमारी धूल मिट्टी निकाल देता है, उसके साथ हम कंडीशनर करते हैं क्योंकि हमारे बाल सिल्की दिखे, स्मूथ दिखे, शाइनी दिखे। तो ये चीज़ इसमें इसीलिए डाली गई है कि आपके बालों में शाइनिंग आए। और ये जो दही डाली गई है, दही आपके डेंड्रफ को ख़त्म करेगी, आपके बालों को जड़ों से मजबूत करेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद है गाइस, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बिना बात किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे पार्टिंग कर लूँगी अपने बालों की। आप चाहे तो पहले कुछ
बांध लें, कपड़ा हो या आपके पास एक कटिंग का जो आता है वो कवर, वो बांध लें, इससे आपके कपड़े खराब नहीं होंगे। मुझे तो वैसे नहाना है तो खराब हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हेयर मास्क, खाना नहीं है लगाना है। अगर आपको लगे कि मेरे को हाथों से नहीं लगाना है तो आप पहले, मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ, ऐसे चम्मच से लेके अच्छे से पहले से लगा ले। गिरेगा ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगा, अगर ज़्यादा ही आपके दही में पानी है तो आप पहले छान ले दही को। इसको मैं फिर अच्छे से सेट कर दूंगी। हम इसमें जब कंघा करेंगे, हाथों से मसाज देंगे तो वो जड़ों तक अंदर तक पहुंच जाएगा। अब इसे मैं ऊपर ऊपर से इसे अप्लाई कर रही हूँ। आपको मैं पास से दिखाती हूँ। ये चीजें बिना पैसे खर्च किए घर पर ही सबके पास अवेलेबल होती हैं, तो आप अपने लिए ऐसा आधा घंटा एक घंटा निकाल सकते हैं कि आप अपने बालों के लिए, अपने लिए कुछ करें। आयुर्वेदिक चीज़ें हैं गाइज, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको फ़ायदा नहीं दिख रहा है तो कोई नुकसान दिख रहा है। इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता है गाइज, और मुझे तो आयुर्वेदिक चीज़ों पर विश्वास है, मुझे फ़र्क दिखता है। हाँ ये बात है कि अगर आप कॉस्मेटिक चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसका फटाफट या हैंड टू हैंड आपको रिजल्ट दिखता है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो आपको हैंड टू हैंड रिजल्ट तो देता है, साथ ही साथ हैंड टू हैंड आपकी बालों को या फेस को, स्किन को ख़राब भी करता है। वो धीमा जहर होता है। और ये चीज़ जो है ये भले ही टाइम लेती है, चाहे आप अपने शरीर के लिए इलाज कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर अपने बालों के लिए कर रहे हैं, इन चीज़ों का असर धीरे धीरे आता है लेकिन आता ज़रूर है। हम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी जाते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बोलते हैं उनको फ़र्क नहीं दिख रहा है या बहुत लंबा टाइम लग रहा है। हाँ इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, एक बार में या चुटकियों में आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन मिलता अच्छा रिजल्ट है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आपको इसमें भी, जैसे आप हेयर मास्क लगा रहे हो तो आपको दिखेगा रिजल्ट, एक बार में दिखेगा कम दिखेगा, लेकिन आप हफ्ते में 2 से 3 बार कीजिए या जब भी सर धोए तब कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मैं बालों की लेंथ में लगा रही हूँ, इससे आपके बाल शाइनी हो जाएंगे गाइस। अच्छे से लगाना है आपको पूरी लेंथ में। अगर मेरी लंबाई जितनी, अगर आप मेरे लेंथ है जो बालों की, इतनी लेंथ आपके बालों की है, तो आपको 3 से 4 स्पून दही इनफ होगी। गाइस आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर मेरे वीडियो में जो भी टिप्स दे रही हूँ आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपको नहीं पसंद आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लाइक ना करें पर अनलाइक भी ना कीजिए। वैसे मेरे वीडियो पे ज़्यादा अनलाइक आए नहीं है, 1-2 वीडियो हैं ऐसे जिस पर किसी ने अनलाइक किया है। कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक करने से हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हमें और भी अच्छी सी वीडियो बनानी चाहिए यूज़फुल, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो।
देखिए अच्छे से पूरे बालों में दही लग गई है। कुछ नहीं करना है, बस दही को लेके मास्क अच्छे से पूरे बालों में जड़ों तक लगाना है, लेंथ में लगाना है। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि ये हमारे स्कैल्प पे नहीं लगना चाहिए या हमारे रूट्स पे नहीं लगना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे बालों के वस्त से लेके रूट से लेकर एंड तक अच्छे से लगना चाहिए। तो आप इसे कैसे भी मसाज करके, कंघी से करके, कॉम से करके पूरे बालों में फैला सकते हैं। बालों में अच्छे से लग चुका है, मैं तो इसे 2 घंटे रखने वाली हूँ गाइस। अगर आपके पास टाइम है तो मैं यही कहूँगी कि आप भी 2 घंटे तक रखिए, अगर नहीं तो आप आधा घंटा तो रखिए कम से कम। और आप जब ये लगा के हेयर वॉश करेंगे तो आप गुनगुने पानी से ही करिएगा, क्योंकि इसमें दही है, दही भी चिकनाहट छोड़ती है, चिकनी होती है, ऑयल में भी वो चिकनाहट होती है। तो आप गुनगुने पानी से, एकदम गर्म पानी से नहीं, गुनगुने पानी से ही हेयर वॉश कीजिए। अब आप बालों को अच्छे से मसाज दीजिए 2 मिनट। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट किया था कि हेयर कलर के बाद हेयर स्पा कर सकते हैं या बालों में कुछ अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं उनको ये कहूँगी कि आप अगर हेयर कलर करवा रहे हैं तो 1 हफ्ते तक कुछ भी यूज़ नहीं कीजिए, बिकॉज हेयर कलर जो करते हैं वो कलर में, डेवलपर में थोड़ा केमिकल होता ही है, ओबियसली होता ही है। तो वो हमारे बालों को वैसे ही थोड़ा मामूली 1% तो डैमेज करते ही हैं, उनमें इतनी हाई क्वांटिटी होती है या क्वालिटी होती है। और फिर हेयर स्पा अगर आप बाज़ार में हेयर स्पा कर रहे हैं तो उस क्रीम में भी केमिकल होगा कहीं ना कहीं। तो गाइज अगर आप हेयर स्पा करना भी चाहते हैं तो घर का हेयर स्पा कीजिए, आयुर्वेदिक हेयर स्पा कीजिए, वो भी 1 हफ्ते के बाद कीजिए। आप बालों में हेयर कलर के बाद कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बस 1 हफ्ते के बाद यूज़ कीजिए और जितना हो सके आयुर्वेदिक यूज़ कीजिए, आपके बालों को कोई नुकसान नहीं होगा। और बस बालों को अच्छे से ऊपर टाई करना है। लग रही हूँ ना मैं भूतनी। तो गाइस ये हो गया हमारा हेयर मास्क। अब हम 2 घंटे तक ऐसे ही बालों को रखेंगे, 2 घंटे के बाद हेयर वॉश करेंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे, बताते हैं क्या रिजल्ट आया है। तो गाइस फिर से बताऊंगी, फिर से कहूंगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, हमें अप्रिशिएट कीजिए। ये 2 घंटे के बाद का वॉश है। आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस। देखिए आप मेरे बालों का टेक्सचर, देखिए आप मेरे बाल, देखिए ये आफ्टर वॉश है। जो हमने दही का मास्क लगाया था ये उसके बाद का ही रिजल्ट है गाइस, आप देख सकते हैं। मुझे तो बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं मेरे बाल, बहुत अच्छे से लग रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और रिज़ल्ट आपको खुद ब खुद दिखेगा। एक बार में ही इतना रिज़ल्ट दिखा है मुझे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।